ना देखूं तो गाइस यार, तो पवन भैया का हर हर गंगे का ट्रेलर आ चुका है। इतना इंतजार करने के बाद, इतना अपने फैंस को रुलाने के बाद, आखिरकार पवन भैया का ये ट्रेलर आ चुका है, हर हर गंगे ऑफिशियल ट्रेलर। पवन सिंह, स्मृति सिन्हा एंड बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है, अदर सेलिब्रिटीज भी हैं। और ये ट्रेलर आया है DRJ रेकर्स भोजपुरी चैनल से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसका इतना टाइम से इंतजार था, भोजपुरी की पहली, भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली पैन इंडिया मूवी, ठीक है, उसका ट्रेलर आ चुका है। लेट्स एंजॉय दिस ट्रेलर, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। पिछले दिनों गंगा के दूषित जल को पीने से हुई दुर्घटना के बाद बनारस घाट से शुरू हुआ ये आंदोलन अब एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। तोहरे दीहल जीवन मैया, तोहरे पर ही अर्पित बा, हर हर गंगे हर हर गंगी, सब कुछ तोहपे समर्पित बा। ओह वाओ, दैट शॉट वाज नाइस। गंगा के माई माने वाला गंगू आज कसम खाता, जब तक गंगा के साफ ना कर दे तब तक घरे वापस ना जाए। गंगा तू तब साफ कर बे जब जिंदा रह बे। कि हु माचिस के कारखाना खोल दे, फिकर मतलब ही ना कि वो दुनिया में आग लगा दी। तोहनी के राम के नाम लसन, शमशान के रास्ता हम दिखाई। और वो जंगल के चप्पा चप्पा से हम वकीफ बने, इंतजार बसे बात के बाकी, शिकारी के सामना शेर से कब कराओ जा। हे देख, शेर सामने खड़ा था। हर हर गंगे, आज पूरा देश एक सुर में एक साथ हर हर गंगे बोल रहा बा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, तोरा हाथ में मुट्ठी भर बारूद का लग गई, तू नस्ल उजाड़े के ख्वाब देखे लगे। ये मुट्ठी भर बारूद तोरा गुप्त जगह पे रख के ऐसा नगर पति दिखाई कि सुलगी ना सीधा फाट जाई। अगर जीते जी गंगा साफ ना भाई, तो हमारा मरला के बाद गंगा मैली भी ना रहे। ऐसा कुछ ना होके चाहिए जनता के ऊपर अपन पकड़ ढीला हो जाए। देश के कोने कोने में इस आंदोलन की ऐसी लौ जली है कि लोग गंगू को कलयुग का भगीरथ बुलाने लगे। अगर शिकार जाल में फंस गई तो एकर मतलब ही ना है कि शिकारी तेज रहे। गंगू एजा आतंकवादी के फांसी रुकवावे खातिर रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खुलवावल जा सकेला, लेकिन असली मुद्दा के केस के खातिर पुष्ट पर पुष्ट मिट जाला, लेकिन इंसाफ ना मिलेला। हम गंगा के अपन माई माने नी, और अपना माई के आंचल में कोनो तरह के दाग ना बर्दाश्त कर सकेला। गंगा में जान होला कि ओकरा जलन हो रहल बा। हां, जलन होला गंगा माई के। ओकर चाल और हमारा प्रहार के बीच जे भी आई, वो चाहे प्रशासन हो या सरकार, सबको एक्सपोज हुई। वाओ, क्या बात है, ओ माय गॉड, शेर तोहरे सामने खड़ा हुआ, क्या बात है, वाओ। मैं सच्ची बताऊं यार, इसमें मोस्ट ऑफ द शॉट, इस ट्रेलर में मोस्ट ऑफ द शॉट्स इतने ब्यूटीफुली निकाले गए हैं, इतने ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किए गए हैं कि आपको देखने में मजा आएगा। खास करके जो अंडर वाटर शूटिंग हुई है, ठीक है, उसमें तो भाई मजा ही आ जाएगा, उसमें मजा ही आ जाएगा कसम से। हाँ, एक दो सीन हैं ऐसे जो थोड़े से मतलब क्रिंज टाइप के लगते हैं, ठीक, लाइक वो रोमांटिक वाले जो भी हैं, एक दो वो ऐसे छुओ तो वहां से उड़ गई वो लड़की, ठीक है, तो
कुछ ऐसे शॉर्ट्स हैं जो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना, तो वो कुछ जगहों पे क्रिंज लगते हैं। बाकी यार अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, बहुत ही दमदार स्टोरी है, रियली बहुत ही ज़्यादा दमदार स्टोरी है, ज़बरदस्त स्टोरी है। हमारी माँ गंगा कैसे गंदी हो रही है, ठीक है, उसके पीछे कितने इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, ठीक है, खुद जनता का हाथ है, खुद जनता भी बहुत हद तक इस चीज में गुनहगार है, गंगा को गंदा करने में, ठीक है। जिस गंगा को आप माँ मानते हैं, जिस गंगा जल से आप अपने को, अपने अपनों को पवित्र करते हैं, ठीक है, उसी गंगा जल को एसिड बना दिया है लोगों ने, ठीक है, उसमें कचरा फेंक कर, उसमें तरह तरह के केमिकल वेस्ट मिलाकर, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बात का पता भी नहीं होता है। और आयरनी ये होती है कि वही इंडस्ट्रियलिस्ट जब भी अपने पूर्वजों का आप कह सकते हैं जब भी श्राद्ध करना होता है, ठीक है, या उनका, उन्हें जब भी याद करना होता है, अपने घर के जो भी पुरखे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उनकी एशेज को भी वो इंडस्ट्रियलिस्ट गंगा में ही डालते हैं कि पवित्र हो जाएगी। उसी गंगा को वो गंदा कर रहे होते हैं और उसी गंगा में अपने पूर्वजों को वो साफ होने, शुद्ध होने, पवित्र होने के लिए डाल देते हैं, ठीक है। तो सोचो ये आयरनी है इन लोगों के, इन गधों को इन ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन वही चीज जब कोई आम इंसान समझाने लगता है तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहानी है इस मूवी की, ठीक है। और मैं सच्ची बताऊं तो ट्रेलर मुझे थोड़ा सा लंबा लगा, मतलब थोड़े कम शॉट्स रखने चाहिए थे, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स रखना चाहिए था ट्रेलर में, है ना, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स। बाकी ओवरऑल यार कहानी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि हाँ, प्लास्टिक के कचरे गंगा को गंदा होने में, गंगा को कैसे साफ किया जाएगा, गंगू अपने मिशन में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा गंगा को साफ करना, और क्या बोलते हैं, लोगों को बचाना, उस पानी से किस किस की मौत हो रही है, ठीक है, कैसे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ये हर एक चीज हमें मूवी में ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। और ये पैन इंडिया मूवी है तो यहाँ भी जरूर लगेगी, आई होप सो, मतलब यहाँ भी जरूर लगेगी, और लगेगी तो मैं तो जरूर देखने जाने वाली हूँ। आप लोग मुझे बताओ, आपके अगर आसपास थिएटर में लगेगी तो आप ये मूवी देखने जाओगे या नहीं जाओगे। देखो यहाँ पे आप ना वो क्लैश मत करना, ठीक है, ये चीज जो मन में ये रख के मत जाना कि हाँ हम खेसारी लाल के फैन हैं या हम किसी और मतलब स्टार के फैन हैं तो हम पवन सिंह की मूवी देखने नहीं जाएंगे। नहीं, आप अपने दिमाग में ये टॉपिक रखना, ठीक है, अपने दिमाग में एक इस टॉपिक को रखना कि ये हमारी माँ गंगा के बारे में मूवी है, इसलिए हम देखने जरूर जाएंगे, ओके। तो प्लीज यार ये मूवी मैं रेकमेंड करती हूँ, यार सब लोग देखने जरूर जाओ, क्योंकि ऐसे सोशल टॉपिक्स पर जो भी मूवीज बनती हैं वो हमें देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने आप को कैसे सुधारना चाहिए, दूसरों को कैसे रोकना चाहिए, हर एक चीज हमें ऐसी मूवीज में, ऐसी सोशल जो सोशलाइट मूवी होती हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है, और उससे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। भाई तुम ओंगे पोंगे मूवी देखने जा सकते हो, ठीक है, कुछ भी जिसमें खाली चोली चड्डी साया होता है, तो ये सब मूवीज देखने जा सकते हो, इस टाइप के गाने सुन सकते हो, तो ऐसी जो अच्छी सोशलाइट विदाउट अश्लीलता वाली मूवीज हैं, ठीक है, इन्हें भी जरूर सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसी ही मूवीज की भोजपुरी इंडस्ट्री को जरूरत है, ठीक है। मैं एक्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ठीक है, ट्रेलर में ही दिख रहा है कि अरविंद अकेला कल्लू हो, चाहे जो विलन है, ठीक है, उसने, और यहाँ पवन भैया खुद, उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लग रही है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, काफी काम किया है इन्होंने अपने एक्सप्रेशंस पर, काफी काम किया है इन्होंने अपनी एक्टिंग पर, तो हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, तो प्लीज 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 ये मूवी देखने जरूर जाना, ओके। तो गाइज आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।